अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू सी एस एस ऑन अकेडमी जन सी एस एस जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पास पेपर सीरीज़ का आज हम सॉल्व करेंगे सी एस एस ट्वेंटी नाइनटीन क्वेश्चन नंबर एट का पार्ट सी इस क्वेश्चन में उन्होंने एक फिगर दी हुई है ठीक है ये सेट्स वाले क्वेश्चन से आए हुए हैं मतलब चैप्टर से उसमें उन्होंने फिगर दी हुई है ये डायग्राम है उसमें जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमेरिकन को एस रहे हैं साइंटिस्ट को और पी रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉलिटिशियंस को अब वही हमें कहते हैं कि देखिए ऐसे है ठीक है ये एक सर्कल है सर्कल के अंदर ए जो है वो अमेरिकन के लिए है एस साइंटिस्ट के लिए है और बी पॉलिटिशियंस के लिए है अमेरिकन में क्या है सी डी ए स्मॉल लेटर्स और स्मॉल अल्फाबेट्स एस में है ई एफ ए और डी और पॉलिटिशियन क्या है एफ जी ए और बी अब उन्होंने आपसे ये दो स्टेटमेंट्स किए हैं कि अमेरिकन जो पॉलिटिशियंस हैं लेकिन साइंटिस्ट नहीं है ठीक है दूसरा उन्होंने हमें कहा साइंटिस्ट जो पॉलिटिशियन है लेकिन अमेरिकन नहीं है ठीक है अब हमने ये बताना है ये जो ओवरलैप कर रहा है ना सर्कल ठीक है इसमें ये जो कॉमन है ना दोनों में ये ओवरलैप कर रहा है तो डी इसमें भी है और इस वाले में, में भी है सर्कल दोनों का पार्ट है इसका मतलब ये है कि ये अमेरिकन भी है और साइंटिस्ट भी है इसी तरह इस जो ए है ये तीनों के सर्कल्स में आ रहे हैं इसमें भी आ रहे हैं इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है इसका मतलब ए अमेरिकन भी है साइंटिस्ट भी और पॉलिटिशियन भी है बी जो है वो ए अमेरिकन भी और पॉलिटिशियन भी है ठीक है सब अब हम इसमें सॉल्व करते हैं पहला पार्ट ठीक है अमेरिकन जो पॉलिटिशियन है लेकिन साइंटिस्ट नहीं है ठीक है इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ये लिख लेंगे अमेरिकन मतलब ये जो सेट सी है ना आप फिगर में देख लेंगे इस सेट्स के अंदर क्या क्या आ रहा है अमेरिकन के अंदर हमारे पास सी बी ए टी आ रहा था वो लिख लिए पॉलिटिशियन जो है वो हमारे पास पी वाले में एफ जी ए बी वो लिख लिए और साइंटिस्ट हमारे पास ई एफ ए बी ए डी ठीक है वो लिख लिया है अब हमारे पास क्योंकि वो कभी कभी कंफ्यूज करती है तो हम इस तरह लिखना तो हमारे कंफ्यूजन नहीं होती ठीक है अमेरिकन जो है वो पॉलिटिशियंस बहुत है मतलब जो दोनों में कॉमन है इसको साइड्स में हमने पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ठीक है तो आप ए और पी का इंटरसेक्शन ले लें वो दोनों चीज़ों की कॉमन आ जाएगी कॉमन का मतलब ये है कि वो अमेरिकन भी वो पॉलिटिशियन भी है ए और इंटरसेक्शन पी लेंगे हम इंटरसेक्शन कॉमन जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं वो हम देखें तो ए भी कॉमन है ठीक है और बी भी कॉमन है ये वाला ठीक है ये और ये और ये और ये ये दोनों सेट्स में कॉमन थे तो हमारे पास कॉमन आ गई है ए और बी ठीक है अब जो वो कि उन्होंने हमें ये कहा था कि अमेरिकन से पॉलिटिशियन हो लेकिन साइंटिस्ट ना हो साइंटिस्ट ना हो तो इसका मतलब ये है कि हम इसको साइंटिस्ट वाले ग्रुप से माइनस कर लेंगे ठीक है अब ए और बी हमने जो कॉमन थे मतलब पॉलिटिशियन भी थे और अमेरिकन भी थे वो लिख लिया ठीक है माइनस किया साइंटिस्ट वाले से अब देखे जो ए है वो हमारे पास इसमें भी है और इस वाले में भी है ये दोनों कटिंग होगी ठीक है ये डिफ्रेंस फाइंड करने के लिए करते हैं अब हम जब डिफरेंस फाइंड करते हैं सेट्स का तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका पहला सेट है ना उसके अंदर जो रह जाता है ना वो हम लिखते हैं तो देखें ए तो कट किया क्योंकि दोनों में था पीछे हमारे पास सिंपल बी बचा है तो इसका मतलब क्या है बी वो है वो मेम्बर या वो एलिमेंट है जो अमेरिकन और पॉलिटिशियन तो है लेकिन वो साइंटिस्ट नहीं है ठीक है आंसर uh, की हेडिंग बी इज द अमेरिकन बी अमेरिकन है जो पॉलिटिशियन है लेकिन साइंटिस्ट नहीं है दूसरा उन्होंने हमें कहा था कि साइंटिस्ट जो पॉलिटिशियन हो लेकिन अमेरिकन ना हो ठीक है देखते हम वही लिखेंगे साइंटिस्ट और विच आर पॉलिटिशियन साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे इंटरसेक्शन कॉमन निकाल लेते हैं दोनों का और उसके बाद जो का हमें अमेरिका नहीं चाहिए तो हम उसको अमेरिका जो दोनों के कामन आएँगे उसमें से हम अमेरिका वाले को माइनस uh, कर लेंगे ठीक है डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन है ठीक है साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन एस और इंटरसेक्शन पी लिया एस से हमने सेट लिखा इंटरसेक्शन का साइन लगाया और पी लिख दिया सेट ठीक है ये ये वाले सेट्स से जो हमने इस फिगर से निकाले थे इन दोनों में कॉमन क्या था ए है ठीक है ये और एफ कॉमन है वो हमने लिख लिए अच्छा उसके बाद देखें उन्होंने हमें हमने वो निकाल लिए यू था कंटिन्यूटी ठीक है यू अच्छा इसमें हम देखते हैं तो इन्होंने हमें पॉलिटिशियंस हमने निकाल लिए ठीक है साइंटिस्ट भी और पॉलिटिशियन भी उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई जो साइंटिस्ट हैं ठीक है ठीके? लेकिन पॉलिट अमेरिकन नहीं है हमने वो जो कॉमन आए तो उसमें से अमेरिकन को माइनस कर देंगे ये थे ये कॉमन जो आ रहे थे हमारे पास ठीक है ये कॉमन आए थे और माइनस कर लेंगे हम अमेरिकन वाले ग्रुप से अमेरिकन वाले ग्रुप से निकाल निकलते तो देखें ये दोनों में कॉमन था वो दोनों की कटिंग होगी और पीछे जो पहला सेट में रह जाते हैं वो लिखते हैं हम तो एफ हमारे पास अकेला रहेगा तो एफ एफ वो एलिमेंट है जो पॉलिटिशियन है ठीक है, है, है लेकिन साइन अमेरिकन नहीं है ठीक है वो साइंटिस्ट है जो पॉलिटिशियन है लेकिन अमेरिकन नहीं है तो आंसर के आप हेडिंग में लिखें द साइंटिस्ट विच इज़ पॉलिटिशियन बट नॉट अमेरिकन विल बी थैंक यू